Hello. ये थर्मल ऐसी है ना, इसके मैं पिन नंबर 8 पे जा रहा हूँ। पिन नंबर 8, 7, ये जो दो पिने होती है ना, इसको लेकर के मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए। तो पिन नंबर 8 यही होगा। पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 के लिए रजिस्टर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, तो जो भी टेस्टिंग करूंगा मैं रजिस्टर पे कर सकता हूँ। तो देखो, पहले मैंने इस पर रख दिया और डीएसओ पे देखना हरकतें होंगी। 8 नंबर पे रखा, बोर्ड को मैं ऑन करने के लिए जा रहा हूं। ऑन हो जा भाई एक बार। बोर्ड देखो बोर्ड ऑन हुआ, ठीक है। अब ये देखते रहना। क्या हो रहा है, कंटिन्यू आपको मिल रहा है ना पल्स, ये कम्युनिकेशन है। थोड़ा सा इसको मैं टाइमिंग में सुधार करके दिखाता हूँ। देखो सेम मतलब हाँ, ये इंफॉर्मेशन है ना यहाँ की। इस साइड कैसे जाएगा, ऐसे ठीक है ना। और थोड़ा सा पढ़ा तो ये आपका देखो जाता रहेगा, ये कम्युनिकेशन आपका होता रहता है तब तक जब तक कि आपका बोर्ड ऑन है। तो मतलब ये कंटिन्यू कम्युनिकेशन होता रहेगा, है ना। तो ये क्या आपका थर्मल आईसी का पिन नंबर 8 और डिट्टो पिन नंबर 7, एक एचडी और एक एससीएल। 8 और 7 का फर्क यही हो जाता है, एक क्लॉक होता है, एक डाटा होता है ना। देखो रुक नहीं रहा है, अगर ये रुक गया बोर्ड आपका ट्रिप मार जाएगा, है ना। बोर्ड आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे ऑफ हो जाएगा। तो मतलब क्या, थर्मल का कम्युनिकेशन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है ना, तो आपका क्या हो जाता है, ये ट्रिपिंग का केस बनता है। तो क्या है कि ये थर्मल ऐसी क्या कर रहा है, पिन नंबर 2 और 3 के जरिए प्रोसेसर का डेटा को कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट के इस इंफॉर्मेशन को पिन नंबर 8 और 7 के जरिए किसको पास कर रहा है, आयो चिप को, समझ गया ना। इस थर्मल आईसी में जो इसकी पिन नंबर 1 है वो तो सप्लाई हो गई, पिन नंबर 5 जो है वो ग्राउंड हो गया, और बाकी जो टेम्परेचर की सेटिंग है वो क्या है, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 4 के रजिस्टर्स। ये पिन नंबर 6 और 4 के रजिस्टर्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, इसके साथ जो रजिस्टर लगे हैं वो आपको इसका टेम्परेचर का सेटिंग्स है। और पिन नंबर 2 और 3 जो देखोगे आप, यही है पिन नंबर 2 और 3, इसके बीच में ये जो देख रहे हो दो कैपेसिटर्स, और ये इस तरह करके इस पॉइंट्स को लेकर के जाओगे तो ये प्रोसेसर से जाके प्रोसेसर के किसी न किसी पिन से आपको कनेक्टेड मिलते हैं, समझ गया ना। हाँ ये देखो अभी भी आ रहा है, जब तक बोर्ड ऑन है वो आता रहेगा, बीच बीच में आता रहेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, ज्यादा तेजी से आएगा, उसके बाद देखो ये आता ही रहेगा, ये रुक नहीं रहा है। बैटरी में भी ऐसे ही होता है, बैटरी का जो एचडीएसएल पाथ भी चेक करते हैं तो इसी तरह। तो ये कम्युनिकेशन क्या, कंटिन्यू, ये नहीं कि रैम की तरह एक बार हो गया और छोड़ दिया। जैसे रैम में होता है ना, एक बार कनेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है तो उसके बाद स्टॉप। लेकिन जो थर्मल आईसी का जो एचडीएसएल चेक करोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअस आपको डाटा मिलता रहेगा, समझ गया ना। तो यही होता है। और फिर फैन पे भी मैं जाता हूँ, जब जब मेरा फैन मूव करता है तो उस समय उसका पीडब्ल्यूएम और वो जो होता है वो कैसा दिखता है वो भी दिखा रहा हूं। ये देखो ठीक है ना, ये प्रोसेसर का जो है पिन नंबर 2 और 3 इस तरह से हीट कलेक्ट कर रहा है। पिन नंबर 2 पे भी और पिन नंबर 3 पे भी देखोगे, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज मेरे को वो करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज का रेंज जैसे 1 वोल्ट है ना, तो 1 वोल्ट से थोड़ा सा घटाना पड़ेगा इसको, ये 500 मिली वोल्ट कर दे तो ज्यादा आपको ठीक रहा है। और ज्यादा अच्छे से देखता हूँ, कुल मिला के जो भी है मैं ये समझ में आ रहा है। जो मैंने बोला टेम्परेचर का डाटा को ये सेंस करता रहेगा, और उस हिसाब से उस डाटा को पिन नंबर 8 और 7 से ये पास करके किसको दे देगा, आयो चिप को, इसकी इंफॉर्मेशन ये देता रहेगा। करेक्ट, फिर से इसको 1 वोल्ट पे ले आता है, 1 वोल्ट पे ले आता है ना। तो यही आपका हो गया थर्मल आईसी का पूरा टेस्टिंग। और फैन की टेस्टिंग के लिए आप जाना चाहते हो तो फैन की टेस्टिंग आप डीएसओ से करेंगे। आ रहा है
अब इसको ये 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 गलती मत करना कि ये 6 पिन का है, ये सोच के ये ग्राउंड और ये ग्राउंड ये 4 पिन का ही है ना सर, वो तो साइड ही, इसपे मेरे को पिन नंबर 4 और पिन नंबर 2 को चेक करना होता है ना। एक नंबर पिन पर तो 5 वोल्ट डायरेक्ट ही आता है, तो ये मेरे को चाहिए फैन वन। फैन वन है का भाई, तो जहां फैन का कनेक्टर लगा है, मेरा फैन तो लगा ही हुआ है, तो मैं इसको एक बार ऑफ करता हूँ, फिर बैक में जाता हूँ। मैंने ऑफ किया और इसके बैक में आता हूँ आपको फैन दिखाने के लिए। जब जब फैन मूव करेगा तब तब आपको पीडब्ल्यूएम नजर आएगा और तभी सेंस भी नजर आएगा, फैन मूव नहीं करेगा तो नहीं नजर आएगा, ये ध्यान रखना। देखिए यहां पर ये फैन पे आ गए हम, ये फैन करेक्ट कलर से ही आपको आइडिया लग रहा है, रेड का मतलब पॉजिटिव होगा, ब्लैक का मतलब ग्राउंड होगा, और ये येलो सेंस होगा। येलो सेंस हो सबको पता, तीन हाँ, एक नंबर मेरा रेड, हाँ सही हूं मैं, एक नंबर मेरा रेड, 3 नंबर ग्राउंड, तो मेरे को इस हिसाब से कल के हिसाब से भी आइडिया लग रहा है। तो अगर मेरे को बोर्ड ऑन करके देखना है फिलहाल, तो मैं इसको चेक करूंगा सबसे पहले इस वाले पिन को, है ना, इस पिन को, ये मेरा पीडब्ल्यूएम पिन है, इस पे पीडब्ल्यूएम का पल्स बनेगा, ठीक है ना। तो सेटिंग मेरी क्या है, 10 माइक्रोसेकंड की वोल्टेज है मेरा 1 वोल्ट पे, चलेगा इतने पे भी हमारा टेस्टिंग हो जाएगा। एक बार बोर्ड को ऑन कर दूं, ऑन हुआ, ये देखो ठीक है ना पल्स, ये पीडब्ल्यूएम आपका, ये आपका क्या है पीडब्ल्यूएम है, समझ गया ना। अबे धीरे धीरे ये देखो, ये पीडब्ल्यूएम है करेक्ट, नहीं 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 ओके कंडीशन है, ये पीडब्ल्यूएम आ रहा है इस पे, अगर पीडब्ल्यूएम आ रहा फैन नहीं रोटेट कर, अच्छा फैन खराब है, अगर पीडब्ल्यूएम आया और फैन ना चले तो फैन खराब है, समझ गया ना, और लगभग एक ही है। तो यही होता है फैन का पीडब्ल्यूएम, और ये इस हिसाब से हमें चेक करना होता है। ये सेंस वाले पिन हो गए, हाँ ये रहा पिन, ये देखो ये रहा सेंस, तो टाइमिंग मैंने काफी ज्यादा बढ़ा, ये रहा सेंस आपका, देखो ये आपका फैन का सेंस है ना, फैन मेरा मूवमेंट कर रहा है, ये मेरा सेंस है। एक तो ये चेक होता है डीएसओ से, जैसे पीडब्ल्यूएम वैसे सेंस बनता है, समझ गया ना, और ये आपका पीडब्ल्यूएम है, ये आपका पीडब्ल्यूएम, ये आपका पीडब्ल्यूएम, समझ गया ना, क्योंकि जिस रेंज पे मैं पीडब्ल्यूएम चेक कर रहा हूँ उस रेंज पे ये सेंस नहीं बन रहा है। देखो सेंस के लिए मैंने फिर क्या किया, टाइमिंग को थोड़ा वो किया ना, ये देखो ये चीज हो गया, तो परफेक्ट किस पे बनता है वो आप इस तरह करके कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं देखूं यहाँ पे परफेक्शन, ये वोल्टेज का रेंज तो मेरा 1 वोल्ट है, ये देखो 200 माइक्रोसेकंड पे, मिली सेकंड पे रखा, मिली सेकंड के रेंज पे मैं सेंस को देख रहा हूँ, मिली सेकंड के रेंज पे मेरा सेंस है, और वही अगर मैं पीडब्ल्यूएम के लिए जा रहा हूँ तो पीडब्ल्यूएम जो मेरे को बेहतर नजर आ रहा है, देखो मिली सेकंड पे नहीं सही आ रहा है, ये मेरे को कहां सही समझ में आ रहा है, ये रेंज मेरा क्या है माइक्रो सेकंड, तो माइक्रो सेकंड पे आप चेक कर लेना अपना पीडब्ल्यूएम को, और मिली सेकंड पे आपको चेक करना है सेंस को, कुल मिला के यही होती है इसका। तो यही थर्मल हो गया, यही फैन हो गया, फैन मेरा मूवमेंट कर रहा है ना, वही पीडब्ल्यूएम बंद हो जाएगा तो फैन भी काम करना बंद कर देगा, अगर पीडब्ल्यूएम नहीं आ रहा है तो फैन नहीं काम करेगा, अगर पीडब्ल्यूएम आ रहा है फिर भी फैन काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका फैन खराब है। तो पहले एक बार वोल्टेज चेक कर लेना कि यहां पर मेरे को 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर आपको यहां पर 5 वोल्ट मिल रहा है, इस पॉइंट पर 5 वोल्ट मिल रहा है, जैसे कि देखो ये 5 वोल्ट मेरा जा रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है आपका, ये पीडब्ल्यूएम आ रहा है फिर भी फैन नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब फैन मेरा इशू क्रिएट कर रहा है, फैन में दिक्कत है ना। और सेंस स्क्रीन पे पल्स ना बने तो इसमें भी आपका या तो फैन का इशू है ना। अब सेंस पिन पे पल्स बनने के लिए देखो, अभी मेरे को किस पे लाना पड़ेगा इसको, मिली सेकंड के रेंज पे, ये मिली सेकंड के रेंज पे लाया तो ये फैन का मेरे को सेंस दिखा, है ना, तो ये आपको करेक्ट है, मतलब सब कुछ फिलहाल क्या मेरा ये करेक्ट है, ओके कंडीशन। वैसे अगर चेक करोगे ना मल्टीमीटर से भी तो देखो पुलअप तो है ही, जो आपका वीसीसी रेड कलर की वायर है उस पर 5 वोल्ट, और ब्लैक पे तो कुछ नहीं मिलेगा, और येलो और ये क्या है ग्रीन बोलते हैं ब्लू, इन दोनों पे 3 वोल्ट मिलेगा,
लेकिन सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीडब्ल्यू आ रहे कि नहीं आ रहा, वो मल्टीमीटर सेंस नहीं कर पाएगा, वो डीएसओ से सेंस होता है, समझ गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा से यही रहा, ऐसा ही रहा है, समझ गया ना। तो यही चीज आपको हमारा हो गया पूरा का पूरा सेक्शन खत्म। जब टेस्टिंग करने जाओ तो टेस्टिंग तो जोन रहती है, कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, समझना उसको, उसमें वक्त लगता है समझने में। जब चीजें समझ जाओ तो चेक करने में देखो कुछ नहीं है, चेक करना तो आसान होता है ना। लोग चेक करने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने बोलते गोली मारे इसको, समझ गया ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो, टेस्टिंग करना तो ईजी है, टेस्टिंग को बिना कॉन्सेप्ट समझे भी आप देखो कि कहाँ ऐसे ऐसा आ रहा है तो ये मेरा ओके है, नहीं आ रहा तो मेरा फॉल्टी है, लेकिन वो अधूरा ज्ञान हो जाता है, समझ गया ना। और जो हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मिला वो हमारा प्रूवन है कि हाँ मेरा ये कॉन्सेप्ट सही है, वैसा मेरे को यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखता है, समझ गया ना।